भवानीपुर, जांगीपुर और शमशेरगंज में वोट डाले जा रहे हैं। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और ये ममता की परंपरागत सीट रही है, लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था जहां बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार मिली थी। आज भवानीपुर उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई। और मनोज्ञा लोहवाल हमारे सहयोगी इस वक्त भवानीपुर से सीधा जुड़ गए हैं हमारे साथ, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, पहले तो किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है वो आपसे समझना चाहेंगे, और दूसरा लड़ाई आसान है या टक्कर है, क्या स्थिति है वहां पर मतदान को लेकर, थोड़ा वो भी समझाइए। देखिए, मतदान पिछली बार 60-70% हुआ था, लेकिन आज जिस तरह से टर्नआउट हो रहा है लगता नहीं है 60% भी पहुंच पाएगा। उपचुनाव में ऐसा ट्रेंड होता है। दिलचस्प है क्योंकि ये वही बूथ है जहां से ममता बनर्जी वोट करेंगी, यहीं से उम्मीदवार भी हैं, यहीं से वोटर भी हैं। तीसरा उनका चुनाव होगा यहां से। इसके पहले दो बार लड़ी हैं, 2011 में जब उपचुनाव हुआ था सांसद का पद छोड़कर लड़ी थी तब भी 95,000 वोट से जीती थी, और जब उसके बाद 2016 का चुनाव हुआ था तब भी यहां से लड़ी थी और करीब 45,000 से 50,000 वोट की मार्जिन से जीती थी। इस बार लड़ाई मार्जिन की, यानी कि कौन कितने मार्जिन से जीत पाएगा, और ये देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी को परास्त किया जा सके। ये टैलेंट और यही सबसे बड़ी टेक्निक अपना रही है कांग्रेस। इसमें दो बातें हैं। पहला ये कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें पूरी तरह से उपचुनाव में दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत नहीं छोड़ी, यानी 80 का मिशन लेकर, तो यानी कि मिशन 80 लेकर बीजेपी उतरी थी सोमवार को, जिस दिन हाथापाई हुई बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता में, जिसमें दिलीप घोष को चोट थी, और वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस की ओर से पूरा का पूरा मंत्री परिषद इस समय कार्यकर्ता के तौर पर भवानीपुर में काम कर रहा है। भवानीपुर यानी कि 16 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जहाँ पर इस समय कोलकाता पुलिस की कड़ी तैनाती है और 35 कंपनियाँ तैनात हैं। अब इसमें कोलकाता पुलिस की ओर से जहाँ रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, तो उसके साथ साथ तीन चीज़ें और ध्यान में रखी गई हैं। महिला पुलिस की संख्या बहुत ज़्यादा है, जॉइंट कमिश्नर हैं 5 और उनके साथ साथ करीब 12 DCP और ACP भी तैनात किए गए हैं जो लगातार राउंड लेकर निगरानी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका मनोज्ञा, आप नज़र बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। मनोज्ञा लोहवाल हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रही थी भवानीपुर से, जहां पर ममता बनर्जी उपचुनाव में उतरी हुई हैं, उनकी परंपरागत सीट है। जिस तरह से मनोज्ञा पूरी जानकारी दे रही थी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा किस तरह से नेताओं ने आरोप लगाए, धक्का भी हुई, उसके अलावा सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठे, और अब आज मतदान हो रहा है। हालांकि 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन भवानीपुर की सीट सबसे हॉट सीट है क्योंकि ममता बनर्जी की ये परंपरागत सीट है। 2011-2016 में भी यहीं से चुनाव लड़ी, नंदीग्राम से पिछले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गई थी। अब उपचुनाव हो रहा है वहां पर, वो एक बार फिर से अपनी परंपरागत सीट से चुनावी मैदान में है। ABP News आपको रखे आगे।